नमस्कार जी मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी हूँ आज हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं और डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ते हैं आज जो मेरा टॉपिक होगा आर्मेचर वाइंडिंग डी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ते हैं अब देखिए आर्मेचर वर्डिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें हमें जानना होता है कि आर्मेचर वर्निंग में क्या क्या होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग में आपका कंडक्टर होता है तो कंडक्टर क्या होता है भाई ये नहीं कहेंगे कि जिसमें करंट फ्लो होता है वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पर हम लोग वो बोलेंगे कि वायर का वह लेंथ जो इनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है उस वाइंडिंग का उस वाइंडिंग को कंडक्टर कहते हैं मतलब जिस वाइंडिंग में ई एम एफ इंड्यूज होता है उस उसके उस वाइंडिंग के कंडक्टर को हम लोग कंडक्टर कहते हैं अब बात करते हैं टर्न क्या होता है जब दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने पर टर्न प्राप्त होता है मतलब दो ता, दो कंडक्टर को हम क्या करेंगे जब कनेक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं टर्न बोलते इसको टर्न बोलते हैं दोनों कंडक्टर्स में इंड्यूज ई एम एफ़ एडिटिव होता है इसमें जो वोल्टेज जैसे इसमें टू वोल्ट आएगा इसमें टू वोल्ट आएगा तो रिजल्टेंट ई e जो आएगा वो क्या आएगा आपका फोर वोल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल होते हैं क्योंकि टर्न के दोनों साइड डिफरेंट पोल सामने होते हैं तो ये दोनों की डिग्री जो होती है अगर 180 डिग्री होगा तो ये क्या होगा आपका दोनों एडिटिव होते हैं अब जैसे इसका फिगर दिखाया गया है ये क्या है ये टर्न ये कंडक्टर है इस दोनों कंडक्टरों को हम इंड कनेक्शन से कनेक्ट कर दिए तो मुझे टर्न प्राप्त हो गया अब टर्न के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉल अब कॉल क्या होता है अब क्या होता है सेवरल टर्नस को सीरीज में कनेक्ट करने पर कॉल प्राप्त होता है मतलब कई सारे टर्न्स को हम क्या कर दें आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्वाइल बोलते हैं तो ये कॉल हो गया तो कोई टर्न हो या कॉल है उसमें दो पॉइंट होता है जहाँ स्टार्ट होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं और जहाँ वो ख़त्म होता है या एंड होता है उसको हम लोग फिनिश्ड पॉइंट कहते हैं ये तो होगा कॉल अब हम लोग बात करते हैं फिर हम लोग बात करते हैं पोल पिच पोल पिच क्या होता है पोल पिच क्या होता है कंजकेटिव पोल के बीच एंगुलर डिस्टेंस को पोल पिच कहते हैं ये देखिए एक पोल ये है और एक पोल ये है तो इनके बीच जो एंगुलर डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं पोल पिच कहते हैं इसमें एक चीज़ और है पोल पिच की वैल्यू जो होती है हमेशा हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है वन कोई भी पोल होगा एक पोल से दूसरे पोल पर क्या होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है हम लोग बात करते हैं अब पोल पिच को हम कितने प्रकार से मेजर कर सकते हैं ये हम लोग समझते हैं इन हाउ मैनी टाइप्स द पोल पिच इज ए मेजर्ड अब देखो एक चीज़ हमने पहले बता दिया कि एंगल के आधार पर एंगल के आधार पर एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो वैल्यू होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है ये तो हमेशा होती है दूसरा क्या आ सकते हैं? नंबर ऑफ स्लॉट के आधार पर मतलब एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कितने स्लाट है उनकी संख्या के अनुसार भी हम हम इसको क्या कर सकते हैं स्लाट को मेजर्ड कर सकते हैं इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अब पर पोल मतलब पर टोटल स्लाट को हम क्या करेंगे अगर पोल से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा स्लाट के आधार पर स्लाट के नंबर के आधार पर पोल की संख्या बता सकते हैं अब हम बात करते हैं तीसरा होता नंबर ऑफ कंडक्टर के आधार पर मतलब इस स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं उसके आधार पर भी हम लोग पोल को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं अब हम लोग आगे चलते हैं अब बात करते हैं क्वाइल पिच क्या होता है तो क्वाइल के दोनों साइड मतलब साइड वन साइड टू दोनों साइड के बीच एंगुलर डिस्टेंस को क्वाइल पिच कहते हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं क्वाइल पिच कहते हैं अब क्या होता है क्वाइल पिच भी क्या होता है ये क्वाइल पिच कहाँ लगा होता है ये क्वाइल पिच स्लाट के अंदर लगा होता है अब क्वाइल पिच क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक क्वाइल पिच होता है फुल पिच क्वाइल और दूसरा होता है शॉर्ट पिच क्वाइल अब बात करते हैं फुल पिच क्वाइल और साठ पिच कॉयल के बारे में अलग अलग बात करते हैं अब बात करते हैं फुल पिच कॉल क्या होता है हमें पता है कि पोल पिच की वैल्यू कितनी डिग्री होती है वन एट्टी डिग्री इसी प्रकार यदि क्वाइल पिच की वैल्यू भी क्या हो जाए 180 डिग्री तो उस क्वाइल पिच को हम बोलते हैं फुल पिच क्वाइल जैसे हम लोग लिखे भी हैं जब कॉयल पिच की वैल्यू का मान पोल पिच के बराबर होता है उस कॉयल पिच को फूल पिच क्ल कहते हैं जैसे आप यहाँ देखा इसको हमने नॉर्थ है या साउथ हमने यहाँ नॉर्थ बना दिया इसको हमने क्या किया कट कर दिया और कट करके सीधा कर दिया ये आपका क्या है ये आपका आर्मीचर वाइंडिंग इसके अंदर लगी होती है जिसमें हमने ये कॉयल इसमें इसके अंदर क्वाइलिंग किए हैं अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ये पोल की डिस्टेंस है इसकी दूरी कितनी है वन एट्टी डिग्री और यहाँ जो क्वाइल जो आपके अंदर इसके अंदर क्यल किया गया है इसकी भी वैल्यू कितनी है वन एट्टी डिग्री तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें क्वाइल पिच की वैल्यू क्वाइल पिच की वैल्यू पोल पिच के बराबर हो गई तो इस क्वाइल पिच को हम क्या बोलेंगे फुल पिच बोलेंगे तो यहाँ पर हमने देखिए लिखे पोल पिच की वैल्यू इक्वल टू क्वाइल पिच और इसकी वैल्यू क्या हो गया अब इसका मतलब क्या हो गया पोल पिच तो वन एट्टी डिग्री था ही अब क्वायल पिच भी क्या हो गया वन एट्टी डिग्री हो गया एक तो ये हो गया वो भी क्या इलेक्ट्रिकल डिग्री अब क्या जो पोल पिच को करते हैं वो अभी जस्ट ऊपर बताए थे स्लाट पर पोल के हिसाब से करते हैं अर्थात पोल पिच की वैल्यू फुल पिच हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं उस फुल पिच के फॉर्मूला को क्या बोलेंगे स्लाट पर पोल बोलेंगे अब हम लोग बात करते हैं फुल पिच कॉल के क्या क्या फायदे होते हैं तो सबसे अच्छे फायदा होता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है वन एट्टी डिग्री साइड वन और साइड टू के तो ये साइड वन वन ये हो गया एस वन साइड वन और ये क्या होगा साइड टू दोनों के बीच में कितनी डिग्री है वन एट्टी डिग्री तो ये दोनों को अब जो वोल्टेज आएगा इसमें अगर फोर वोल्ट है इसमें फोर वोल्ट है तो जो, जो इसमें ई दोनों इंड, इंडूज होगा वो कितना हो जाएगा एट वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के बीच में 180 डिग्री है इसीलिए एडवांटेज है, है इसके दोनों साइड्स में इंड्यूज ई एम एफ अर्थमेटिक्स हम होता है मतलब हमें एग्जैक्ट डायरेक्टली हम क्या कर देंगे टू प्लस टू एड कर देंगे ये तो इसके क्या है एडवांटेज अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं डिसएडवांटेज में क्या होता है इसमें कॉपर कंडक्टर ज़्यादा लगता है अब आप सोचते होंगे कॉपर कंडक्टर ज़्यादा क्यों लगता है क्योंकि जो ई एम एफ इंड्यूज़ होता है इस वाले पोर्शन में होता है इस वाले में पोर्सन में ई एम एफ नहीं होता है ये इसको बोलते इंड इसको जोड़ने के लिए जो यूज कंडक्टर यूज किया जाता उसको है उसको इंड कनेक्शन बोलते हैं इसमें का ये इसमें कोई वोल्टेज ये यूज का नहीं है इस इसलिए ये इसके तार ये क्या हो गए ज़्यादा हो गए लंबाई लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इसमें कंडक्टर क्या हो जाएंगे ज़्यादा लगेंगे अर्थात कापर वायर ज़्यादा लगेगा ये इसका डिसएडवांटेज है फुल पिच हो गया अब हम लोग बात करते हैं साठ पिच कॉल अब साठ पीस कॉल किसको क्या बोलते हैं जब जैसा अभी हम लोग बढ़ रहे थे कि फुल पिच की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है लेकिन जब क्वाइल पिच की वैल्यू 180 डिग्री से कम हो जाती है तो उस क्वाइल पिच को क्या बोलते हैं 60 पिच क्वाइल बोलते जैसा लिखा हुआ है जब क्वाइल पिच की वैल्यू का मान पोल पिच से कम होता है तो उस क्वायल पिच को साठ पिच क्वायल कहते हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये वन एट्टी डिग्री है अब ये देखिए ये जो कॉयल है अभी क्या हो गया आ, पहले इतना बड़ा था फर्स्ट टाइम में अभी क्या थोड़ा सा छोटा हो गया अब ये क्वाइल पिच क्या हो गया साठ पिच कॉयल हो गया अब हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर क्या होगा पोल पिच क्या होता है वन एट्टी डिग्री होता है लेकिन ये इससे छोटा है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे क्वाइल पिच पोल पिच से छोटा हो गया फोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है एच पी होता है अब ये देखिए इससे भी एक छोटा हो गया इसके लेकिन कुछ एडवांटेज भी हैं। तो वहां पर जो उसका एडवांटेज था फुल पिच में यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाएगा और फुल पिच में जो डिसएडवांटेज था इसका एडवांटेज हो जाएगा देखिए एडवांटेज इसमें लेस कापर वायर लगेगा अब क्योंकि लेस कापर क्योंकि यहाँ पर इंड कनेक्शन जो होंगे वो वायर क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे इससे कापर क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा इसलिए इसमें लेस कापर वायर लगेगा अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसमें डिसएडवांटेज ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में 180 डिग्री नहीं होगा तो 180 डिग्री नहीं होगा मान ली वन ट्वेंटी डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री तो ये ई वन हो गया मान ली ये इसको बोलते ई वन इसको बोलते ई टू अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट ई एम एफ होगा वो क्या होगा अब वो पहले अर्थमेटिक सम था अब अर्थमेटिक सम नहीं होगा तो इसमें जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वही लिखे इसमें लेस इंडूज ये पैदा होता है और वहाँ पर हो तो वहाँ पर ज़्यादा होगा यहाँ पर कम होगा ये इसके डिसएडवांटेज है अब हम लोग बात करते हैं कि डी सी मशीन में कौन सी क्वाल पिचिंग करेंगे फुल पिच करेंगे कि शॉर्ट पिच करेंगे बात करते हैं जनरली क्या होता है कि डीसी मशीन में हमेशा फुल पिच कॉल किया जाता है लेकिन कभी 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 मजबूरी हो जाती है जहां आप मुझे शाट पिचिंग कॉल करते हैं जैसे देखते हैं डीसी मशीन में जनरली फुल पिच कॉल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम इमेज पैदा होता है ये तो डीसी मशीन की बात हो गई जब आप अगर एसी मशीन की बात करें जैसे सिंकोनस मशीन इंडक्शन मशीन में वहाँ पर शाट पिचिंग की जाती है उसके वहाँ पर कुछ एडवांटेज होते हैं इसलिए वहाँ पर किया जाता है लेकिन यहाँ पर डीसी मशीन में जनरली हमेशा कोशिश किया जाता है कि हम फुल पिचिंग क्वाल करें अब देखो भाई क्या है कब कब हम शार्ट पिचिंग करेंगे लेकिन जब मशीन में एस वाई पी स्लाट पर पोल मतलब नंबर सभी स्लाट को अगर पोल से डिवाइड कर दें अगर इसकी वैल्यू क्या होल नंबर में आएगा तो हम क्या करेंगे फुल पिच करेंगे वो बन जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाए डेसिमल में आ जाए होल नंबर में नहीं आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा फुल पिच नहीं हो पाएगा तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझे शार्ट पिचिंग क्वाल करना होगा जैसे देखिए स्लॉट पोर्ट पाल का मान होल नंबर नहीं होता है तब शार्ट पिच क्वाइल का प्रयोग किया जाता है एक हम इस चीज़ को न्यूमेरिकल से भी दे सकते हैं एक न्यूमेरिकल ये है द आर्मेचर ऑफ जनरेटर हैज द टेंट कैलकुलेट द क्वाइल पिच हा टू पोल टू पोल वाइंडिंग एंड फोर पोल वाइंडिंग मान लेते कोई एक मशीन है जिसमें टोटल नंबर स्लाट क्या है दस है अगर हमें क्या करना है टू पोल वाइंडिंग और फोर पोल वाइंडिंग करनी है तो इसमें साठ पिच होगा कि फुल पिच होगा इसको हम लोग देखते हैं अब देखिए क्या है पोल पिच का फार्मूला हमने क्या बताया था स्लाट पर पोल तो टेन डिवाइड बाई टू कर सकते हैं मतलब पोल पिच को वैल्यू फाइव आ गया अब यहाँ पर हम क्वाल पिच को वैल्यू फाइव रख सकते हैं तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम मशीन को फुल पिच क्वाल करेंगे लेकिन यदि यदि यही मशीन स्लॉट को हम क्या कर दें फोल पोल का बना दें अब जब पोल पिच निकालेंगे वो क्या आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा अब हम डेसिमल में भाई टू स्लॉट होते हैं थ्री स्लॉट होते हैं टू पॉइंट फाइव स्लाट तो होता नहीं है तो मेरी मजबूरी हो जाएगी उसको मुझे शाट पिचिंग करनी है तो अब क्वाल पिच की वैल्यू क्या करेंगे थ्री करेंगे अब आप कहेंगे सर इसको थ्री कर दीजिए तो थ्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि पोल पिच दो प्रकार के होते हैं एक साठ पिच होते हैं एक फुल पिच होते हैं फुल पिच होते हैं तो फुल पिच क्या होगा उसके बराबर होगा हमने ज्यादा वाला पिच तो पढ़ा नहीं है तो ज्यादा बराबर हो सकते हैं कम हो सकते हैं तो क्वाल पिच इससे ज्यादा नहीं हो सकता है इसलिए इसको थ्री नहीं कर सकते हैं तो यह मजबूरी है मुझे साठ पिच नहीं क्वाल करना पड़ेगा आगे हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग क्या होती है अब कई सारे क्वाइल को हम क्या करें अगर कई सारे क्वाइल को हम क्या करें उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें कई सारे क्वाइल को ये क्वाइल इस क्वाइल को इस क्वाइल को इस क्वाइल को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग सेवरल क्वाइल्स को सीरीज में कनेक्शन करने पर हमें बाइंडिंग प्राप्त होती है अब क्या होती है बाइंडिंग वैसे अगर बहुत ब्रॉड में बोला जाए तो उसके मैग्नेटिक एक्सिस के अनुसार इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसा लिखा है वाइंडिंग को मैग्नेटिक एक्सिस के अनुसार इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला बात करते हैं कंसनट्रेटेड और दूसरी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अब बात करते हैं कंसनट्रेटेड वाइंडिंग किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किसको कहते हैं कंसनट्रेटेड वाइंडिंग जिस वाइंडिंग के सभी टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस सेम होता है उस वाइंडिंग को कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं जैसे यहां आप देख रहे हैं इसका सभी का ये प्राइमरी वाइंडिंग है सबका जो फील्ड होगा वो क्या होगा जैसे करंट अगर ऐसे जा रही है मान लेते हैं तो इसका फील्ड अगर ऐसे देखेंगे तो इसका फील्ड ऊपर तो इस सभी का इस सारे टनस के जो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है सेम है तो इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ये कहाँ क्या किया जाता है ट्रांसफार्मर में किया जाता है डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग में की जाती है डी मशीन के फील्ड जो ये होता है इस पर जो की जाती है वो कंसंट्रेटेड वर्निंग होती है इसी तरह सिंक्रोनस मशीन के फील्ड वर्निंग पर की जाती है ये तो हो गया कंसंट्रेटेड वर्निंग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्निंग अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्निंग क्या होती है जिस वर्निंग के टंस के साइड को स्लाट में पेरी रूप में फैले होते हैं और टन की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस अलग अलग होती है उस वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं जैसे आपने देखा ये इंडक्शन मोटर में स्टेटअप होता है तो यहाँ पर ये क्या हो गया ये इस यहाँ फैल ये इसका एक ऐसा बनता है फिर ये यहाँ पर चला गया फिर ये यहाँ चला गया तो इस तरह से आपने देख रहे हैं कि ये क्या है ये इसका अलग इसका एक्सेज इधर है इसका एक्सेज इधर है इसका एक्सेस अलग है ये जैसे हमने आर वाई भी मतलब तीन फेज ले लिए हैं थ्री फेज वाइंडिंग होती है स्टेटर में वैसे हमने एक फेज को हमने एक वाइंडिंग को पकड़ा तो तीनों में जो कॉयल है उनकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीटिफिस क्या है अलग अलग है तो इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग में और इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में की जाती है सिंकोलस मशीन के भी स्टेटर वाइंडिंग में की जाती है अब हम लोग आगे चलते हैं अब क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं आर्मेचर आर्मेचर क्या होती है के अनुसार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ये आर्मेचर वार्निंग हो गई एक हो गया इसको दो भाग में फिर डिवाइड किया गया है क्लोज वार्निंग एंड ओपन वार्निंग फिर इस क्लोज वार्निंग को लैप वार्निंग और वेव वार्निंग अभी हमने देखा कि अब हम लोग अलग पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोज वार्निंग की बात करते हैं ओपन वार्डिंग ओपन वाइंडिंग पहले बात करेंगे फिर क्लोज की बात करते हैं ओपन वाइंडिंग क्या होती है जैसा इसका नाम है वैसा इसका रूप भी है देखिए यह वाइंडिंग अपने नाम जैसा ओपन होती है इस वाइंडिंग में वाइंडिंग एस पॉइंट से स्टार्ट होकर फिनिश्ड पॉइंट तक जाता है यह फिनिश्ड पॉइंट स्लीप रिंग या टर्मिनल पर समाप्त होता है अब जैसे यहाँ पर अभी बात कर यह वार्निंग ओनली ए रोटेटिंग मशीन में जो ओपन वार्निंग होता है डीसी मशीन में नहीं प्रयोग किया जाता है ओपन वार्निंग हमेशा एसी मशीन में प्रयोग किया जाता है जैसा आप यहाँ पर ये कहाँ का यूज़ करते हैं सिंकोनस मशीन में इंडक्शन मशीन में जैसे इसको फिगर्स यहाँ स्पष्ट हो जाएगा ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था जो फिनिश्ड पॉइंट होता है वो किस पर होगा या तो स्लीप रिंग पर फिनिश होगा या तो टर्मिनल पर होगा किसी तो यहाँ पर फिनिश्ड पॉइंट क्या है तो ये क्या टर्मिनल तो यहाँ पर जैसे ए बर्निंग स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ होने के बाद फिर इधर गया तो ये फिर यहाँ गया फिर इस पर गया फिर यहाँ पर ये क्या ये टर्मिनल इंड है ये यहाँ पर ये क्या होगा ये फिनिश होगा मतलब स्टार्ट हुआ फिनिश्ड हुआ यहाँ पर या तो किस पर होगा टर्मिनल टर्मिनल्प होगा या तो इसके अंदर जो बाइंडिंग है वो कहाँ इस स्लिप रिंग से क्या हो जाएगी कनेक्ट हो जाएगी मतलब ये जो आपकी ओपन वाइंडिंग होती है वो ओपन होती है आप देख सकते हैं ये क्या ओपन है इसमें आप देख सकते हैं तीन तार निकलेंगे तीन वाइंडिंग अगर पूरे निकालेंगे आर वाई बी ए बी सी की हम बात करें ये तीन वार निकलेंगे ये ए वन ये ए टू ये बी वन और ये बी टू और ये सी वन आइए सी टू ये आपने देखा होगा ये एक इंडक्शन मोटर में ऐसे प्रयोग किया जाता है अब इसको अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टार बन जाएगा तो भी आप देखिए ये ओपन है अगर आप बात करते हैं इसको आप बात करते हैं कि इसको ऐसे आप बोलेंगे सर इसको ऐसे जोड़ दीजिए तो ये तो क्लोज हो जाएगी नहीं ये क्लोज नहीं होती है आप इसको स्टार में जोड़िए या डेल्टा में जोड़ी के, ये क्लोज नहीं होती है क्योंकि क्लोज वाइंडिंग को कभी भी रिकनफिग्रेशन नहीं कर सकते हैं मतलब आप जिसमें एक बार कनेक्ट कर देंगे वो कनेक्ट हो जाएगा उसको री ओपन कनेक्ट मतलब एक बार रिकन्फिग्रेशन नहीं कर सकते कि उसको क्लोज करें फिर ओपन करें अब बात करते हैं इस प्रकार स्टार हो या डेल्टा हो दोनों वाइंडिंग ओपन वाइंडिंग होती है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज वाइंडिंग क्या होती है वो वाइंडिंग अपने, ना, अपने नाम जैसा अपने नाम से स्पष्ट है कि ये वाइंडिंग क्या होगी क्लोज्ड वाइंडिंग होगी इस वाइंडिंग में वाइंडिंग जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पर रिटर्न होकर के फिनिश भी हो जाती है जैसा समझ में आ रहा है या ओनली कम्पूटेटर मशीन पर मतलब क्लोज्ड वाइंडिंग वहीं पर यूज किया जाएगा जहाँ पर जिस मशीन के अंदर रोटेटिंग मशीन के अंदर कम्पूटेटर का प्रयोग किया जाएगा अब क्या होता है जैसे डी सी आर वाइंडिंग आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है अब क्लोज वाइंडिंग को भी क्या करते हैं दो भाग में डिवाइड करते हैं लेकिन किसके आधार पर डिवाइड करते हैं ये कम्यूटेटर पर इसको कहाँ कहाँ जोड़ा जाएगा जैसे क्वाइल इंड को कम्यूटेटर पर कनेक्ट करने के आधार पर ये दो पर मतलब इसको यहाँ जोड़ेंगे यहाँ कहाँ कहाँ जोड़ेंगे इस वाइंडिंग को स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट को उसके अनुसार हम लोग इसको कहते हैं दो भाग में डिवाइड करते हैं एक होता है सिम्प्लेक्स लेफ वर्निंग या लैप वार्निंग या सिम्प्लेक्स वेव वार्निंग या वेव वर्निंग बोलते हैं अब हम बात करते हैं कि सिम्प्लेक्स लेप वर्निंग या लेफ्ट वर्निंग क्या होता है

कनेक्ट किया जाता है उस वाइंडिंग को लेफ्ट वाइंडिंग मतलब अगर कोई वाइंडिंग है अगर इसको अगल बगल जोड़ेंगे तो उस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे लेफ्ट वाइंडिंग जैसा कि इस फिगर से स्पष्ट है ये देखिए ना ये कम्यूटेटर सेगमेंट है एक तार एक वाइंडिंग यहाँ से गई और फिर यहाँ ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये डा, डाट इसलिए दिखाया कि क्योंकि ये ये टॉप है और ये बॉटम है तो यहाँ होते हुए देखिए ये इसके अगल इसमें यहाँ जुड़ी थी दूसरी तो ये दोनों क्या है बगल वाले कम्यूटेटर से क्या हुई है अटैच हुई है इसलिए वही हमने डिफिनीसन बताया है तो ये वाइंडिंग कौन सी हो गई लेफ्ट वाइंडिंग हो गई अब इसमें क्या होता है इसमें जो पैलल पाथ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं जितने पोल जैसे चार पोल की मशीन है तो उसमें पैलल पाथ भी क्या बनेंगे फोर बनेंगे उसमें नंबर ऑफ ब्रश भी कितने होंगे फोर होंगे जैसा कि हम लोग फिगर से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ देखिए ये यह इस वाइंडिंग को अगर ऐसे ही करेंगे तो ये फोर पोल की मशीन हमने लिया है तो इसमें देखिए चार ब्रश बनेंगे और ये चार पैरेलल पाथ बनेंगे आप ये देखेंगे तो क्लोज़ भी होगा देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए ये देखिए ऐसे 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 ये क्लोज हो जाएगा अपने आप जहाँ है वहीं से फिर पहुँच जाएगा देखिए यहाँ चला तो वहाँ से पहुँच गया तो क्लोज वाइंडिंग होती है अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इस वाइंडिंग एक दूसरे को क्या करती है ये वाइंडिंग अगर आप देखेंगे यह आप देखेंगे ये बार्डिंग एक दूसरे को क्या कर रही है ये बार्डिंग ये दूसरी वार्निंग क्या की इसको भी क्या करी ये दूसरी वाली बार्डिंग पहले वार्निंग को क्या कर दी ओवरलैप की इसलिए इस वार्निंग को क्या बोलेंगे लेफ वार्निंग कहते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं अब बात करते हैं वे वार्निंग क्या होती है जिस वार्निंग के दोनों एंड्स मतलब स्टार्टिंग और नेक्स्ट को कम्यूटेटर सेगमेंट के अपोजिट कनेक्ट किया मतलब एक सेगमेंट अगर यहाँ इस कोई वार्डिंग है

इसमें वाइंडिंग का रूप वेव की तरह होता है जैसा फिगर से स्पष्ट हो जाएगा अब देखिए पहले एक यहाँ कनेक्ट हुआ और ये दूसरा क्या होगा यहाँ पर कनेक्ट हुआ तो इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पर क्या अगल बगल था तो इसलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं इसका जो रूप है आप देख रहे हैं वो क्या है वेव जैसा आगे चल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेव वाइंडिंग कहते हैं इसमें देखिए पैरेलल पाथ कितने बने हैं दो बने हैं क्लियर है अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फ्रंट पिच क्या होता है बैक पिच क्या होता है सेम कम्यूटेशन सेगमेंट से कनेक्टेड दो कॉल साइड के बीच डिस्टेंस को फ्रंट पिच कहते हैं मतलब देखिए इसी कम्यूटेटर से ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या बोलेंगे फ्रंट बीच ये तो लैब था इसलिए यहाँ पर देखिए ये इसी कम्यूटेटर से दो तार कनेक्ट है एक ये कनेक्ट है और एक ये कॉयल कनेक्ट है तो इसको फ्रंट बिच बोलते हैं अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट पिच तो हो गया अब हम लोग बात करते हैं बैक पिच की बात करते हैं कि बैक पिच क्या होती है किसी क्वाइल के टॉप और बॉटम साइड के बीच डिस्टेंस को बैक पिच कहते हैं जैसे ये क्वाइल यहाँ है ये टॉप है और ये क्या ये है ये बॉटम है तो ये यहाँ पर तो इसके जो बीच होगा मतलब इसके इसके बीच डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बैक पिच होगा मतलब एक टॉप पर जाएगा दूसरा बॉटम पर इसी तरह अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये क्वाइल किसी भी क्वाइल हो कोई भी क्वाइल हो तो जो उसका पहला इंड होगा अगर फ्रंट होगा टॉप होगा दूसरा क्या हो जाएगा बॉटम होगा तो ये टॉप है तो दूसरा क्या होगा बॉटम तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दो इसके सॉरी इसके और इसके बीच तो तो जो दूसा 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 तो 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 का जो डिस्टेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बैक पिच हो जाएगा जैसा हम लोग समझें तो ये होगा आपका बैक पिच अब इसके अलावा क्या होता है एक रिजल्टेंट पिच होता है वह रिजल्टेंट पिच जैसा इसका नाम से स्पष्ट है कि दोनों पिच का क्या हो एल सम हो उसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट पिच लेकिन इसका डिफिनीसन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं दो कंजकी और सिमिलर टॉप हो या बॉटम हो क्वाल साइड के बीच डिस्टेंस को रिजल्टेंट पिच कहते हैं जैसे ये यह यहाँ से स्टार्ट हुआ ये इसी तरह सिमिलर कहाँ गया अगर हम बात करें इसका सिमिलर ऐसे जाएगा सेम चीज़ ये देखिए जो यहाँ स्टार्ट है तो इन दोनों के बीच को डिस्टेंस दोनों सिमिलर है या दोनों क्या हो जाएंगे इस ये भी अगर ये भी क्या है दोनों बाटम है और ये भी बाटम है तो इसको भी हम क्या सकते बोल सकते हैं आपका रिजल्टेंट टेंट पिच बोल सकते इसको भी बोल सकते हैं इसी तरह अगर आप देखिए सेम एक यहाँ से स्टार्ट हुआ और दूसरा कॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट पिच हो जाएगा ये पूरा से पूरा तो यहाँ से आता तो ये क्या होता है अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट वार्निंग में रिजल्टेंट पिच क्या होगा दोनों का ये आपका क्या रिजल्टेंट पिच रिजल्टेंट पिच क्या है ये पूरा क्या था बैक है ये क्या फ्रंट पिच इसमें से हटा देंगे तो ये क्या मिलेगा रिजल्टेंट पिच मिलेगा तो इसमें क्या, इस क्या हो रहा है दोनों का डिफरेंस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है रिजल्टेंट पिच इसका और इसका क्या हो रहा सम हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका तो इसमें क्या हो रहा है इसलिए हमने क्या बोला एल्जेब्रिक सम तो इसमें रिजल्टेंट पिच क्या हो जाएगा वाई बी प्लस वाई एफ हो जाएगा और इसमें जो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वाई बी माइनस वाई एफ हो जाएगा जैसे हम लोग इसको नेक्स्ट लिखते हैं कि रिजल्टेंट पिच इसका रुक आ जाएगा फ्रंट पिच प्लस बैक पिच ये वेफ के लिए होगा और लेफ्ट के लिए जाएगा फ्रंट पिच माइनस बैक पिच तो ये चीज़ें हुई अब हम लोग बात करते हैं कि कम्यूटेटर कमुटे, फीच क्या होता है अब क्या होता है किसी क्वाल एंड एस और एफ के बीच कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या को कम्यूटेटर पिच कहते हैं अब एक, है, तो एक है, तो क्या? क्या तो क्वाल लिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ खत्म हुआ आखिर यहाँ हुआ फिनिश पर तो इन दोनों के बीच में संख्या क्या है एक है तो इन दोनों की संख्या इसी को हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटर पिच और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर यही क्वाल में एक यहाँ एस से स्टार्ट हुआ दूसरा यहाँ फिनिश पर हुआ तो इन दोनों के बीच में क्या है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर पिच तो यहाँ पर कम्यूटेटर पिच uh, क्या है वन है और यहाँ पर क्या है लगभग दो पोल के बराबर मतलब ज़्यादा होता है मतलब एक इधर होता है दूसरा एंड पर होता है तो ये दो पोल पिच के बराबर होता है और एक पोल पिच में वन एट्टी डिग्री होगा तो टू पोल में थ्री सिक्सटी डिग्री होगा तो हम लोग इसको यहाँ बात करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं कि इसके लिए लैब के लिए क्या हो जाएगा कम्यूटेटर कंप्टेटर पिच वन होगा और इसके लिए टू पोल पिच होगा जो थ्री सिक्सटी डिग्री होगा जैसे दिख भी रहा है अब लोग हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों में हम लोग कंपेरिजन करते हैं कौन कहाँ पर यूज किया जाएगा अब देखिए पहले डिफिन डिफिनीशन देखते हैं जैसे ये अगल बगल कनेक्ट किया जाता है इसमें क्या किया जाता है इसका रूप वेब फॉर्म होता है कनेक्शन कैसा होता है द इंड ऑफ द आर्मेचर कॉल इज ए कनेक्टेड एंड मतलब इसको अगल बगल जो एडजेसेंट कॉल में किया जाता है और इसमें क्या है द एंड ऑफ आर्मेचर क्वाइल इज ए कनेक्टेड द कम्यूटेटर सेगमेंट सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर या अपोजिट किया जाता है पैरेलल पाथ की बात करते हैं इसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं टोटल न, आ, त, आर इक्वल तो टू टो टोटल नंबर ऑफ पोल इसमें पो, पोल के बराबर इसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं दो होते हैं जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं इसका एक नाम क्या है इसका नाम अदर भी इसको पैरेलल वाइंडिंग ही बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेब वाइंडिंग का नाम टू सर्किट वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं अब बात, e तो e तो अब बात करते हैं किसमें ई एम ज्यादा होगा तो इसमें जो होगा वार्निंग में क्या होंगे इसमें पैल पात क्या होते हैं ज्यादा होते हैं तो इसमें क्या होंगे वोल्टेज कम पैदा होगा इसमें वोल्टेज ज्यादा पैदा होगा अब बात करते हैं नंबर ऑफ ब्रश इसमें पोल की संख्या लैप में क्या होता है इसमें ज्यादा पोल होते हैं मतलब पोल uh, की टू पी मतलब पोल के पैलल पात पोल के बराबर होते हैं इसमें दो ही होते हैं ब्रश की संख्या ओके okay. अब बात करते हैं इफिशियंसी इसकी इफिशेंसी लेस, हाँ हाँ, लेस, लेस होती है इसकी इफिशेंसी हाई होती है इसकी इफिशेंसी हाई लेस क्यों होती है इसमें जो आपका वायर कंडक्टर कापर वायर होता है इसमें ज़्यादा लगता है इसमें कम होता है इसलिए इसमें लॉसेज ज़्यादा होती है इसलिए इसकी इफिसंसीस लेस होती है इसकी इफिशेंसी ज़्यादा होती है अब इसमें क्या होता है कुछ एडिशनल कॉयल भी लगा जाते हैं इसमें पैरेलल पा ज़्यादा होने के लिए इसमें पैल पाथ ज़्यादा होता है इसलिए इसमें ई e अलग अलग होता है इसलिए इसमें इक्लाइजरिंग का हो सकता है पर इसमें डमी क्वाल की क्योंकि इसमें कुछ स्लाट खाली हो जाते हैं इसलिए इसमें क्या करते हैं डमी क्वाल का यूज़ करते हैं अब इसमें वाइंडिंग का इसका वाइंडिंग कास्ट हाई होता है इसका लो होता है अब एक मेन क्या होता है इसमें जो करेंट क्या होती है पैलल पैलल पाथ ज़्यादा होते इसलिए करंट ज़्यादा इसलिए इसमें करंट ज़्यादा बहता और वोल्टेज कम होता है और इसमें वोल्टेज कम हाई होता है और करंट कम होता है क्योंकि इसमें में ज़्यादा कनेक्ट होता है तो ये यहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं तो आज के लिए इतना रखते हैं और धन्यवाद आप लोगों के लिए